नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण में कलयुगी बेटे की काली करतूत आई सामने। मां ने बेटे को शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे तो बेटे ने चाकुओं से गोद कर की मां की निर्मम हत्या। मोतिहारी में भी एक्टिव हुई जांच एजेंसियां। शहर के प्रसिद्ध हेनरी बाजार में एक हार्डवेयर दुकान पर पड़ा सेलटेक्स का छापा। मोतिहारी व मुजफ्फरपुर की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। सुगौली के भरगावा पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। दी गई महिलाओं को मिलने वाली कानूनी अधिकार की जानकारी। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना परिसर में जनता दरबार का हुआ आयोजन। कई मामलों का किया गया निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गांधी मैदान मोतिहारी में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। महिला खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। बेलवर्मा उप सेवा केंद्र पर बड़े ही आत्मिक भाव से मनाई गई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय मुख्य प्रशासिका रही दादी गुलजार की तीसरी पुण्य स्मृति दिवस। महिला दिवस पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण के सुगौली की लड़कियों ने मारी बाजी। क्षेत्र का नाम किया रोशन। बधाई देने वालों का लगा तांता। और पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने 3 शराब पियकड़ों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। पूर्वी चंपारण में रिश्ते को कलंकित करने वाली एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जहां एक कलयुगी नशेड़ी बेटे विजय कुमार ने अपनी ही मां राजकली देवी को चाकुओं से तब तक गोदते रहा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। नशे में धूत एक कलयुगी बेटे की कहानी पूर्वी चंपारण के चिरैया की है, जहां एक बेटा अपने ही मां के कलेजे को तब तक छलनी करता रहा जब तक वो मर नहीं गई। मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाली यह वारदात चिरैया थाना क्षेत्र के दीपही की बताई जा रही है, जहां एक नशेड़ी बेटे ने पूर्व की भांति अपनी माँ से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। माँ ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो उस नशेड़ी बेटे ने चाकू निकालकर पहले तो उसे डराने की कोशिश की, और जब माँ नहीं डरी और अपने बेटे को शराब पीने से मना करती रही तो नशे के आदि उस बेटे ने माँ पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया और तब तक चाकुओं से वार करता रहा जब तक उसकी माँ की मौत नहीं हो गई। बताया जा रहा है कि नशे में धूत इस कलयुगी बेटे के द्वारा ये कोई पहली वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो दिल्ली व अपने गाँव में ही ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है। बेटे द्वारा चाकुओं से हमला करने के बाद चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी मां की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने उक्त नशेड़ी बेटे को पकड़ लिया और पहले तो उसे रस्सियों से बांध दिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद चिरैया पुलिस मौके पर पहुंची और नशेड़ी बेटे व मां के शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद गांव स्थित मृतका के घर पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस संबंध में पूछे जाने पर चिरैया विधायक लालबाबू गुप्ता के प्रतिनिधि संजय प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। आ रहे थे चिरैया ही तो रास्ते में हमको मालूम हुआ है कि अपने माँ से ये पूरा नशा में रहता है हमेशा। इसका सुबह शाम काम है दारू और गांजा पीना, जिससे पूरे परिवार को तंग किए हुआ है। आज भी अपने माँ से बगल में एक बारात था, कहा कि हमको 400-500 रुपया दीजिए दारू पीने के लिए। दारू नहीं, माँ इसकी रुपया नहीं दिए, जिसके वज में इसने निर्मम हत्या चक्कू से गाँस को अपने माँ का हत्या किया। ये पूर्व में भी मेरे गांव के एक अजीत कुमार को 5-6 साल पहले चक्कू मारा था, जिसमें जेल गया था। और ये पूर्व में भी 8-10 वर्ष पहले एक 376 एक्ट में दिल्ली में ये जेल था तिहाड़ में। अपने आप में एक सबसे बने हास्यपद घटना लगी। कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन पूर्ण रूप से शराब मिल रही है घर घर, जिसका परिणाम है आज मेरे गाँव में एक लड़का ही अपने माँ का हत्या कर। वहीं इस घटना के बाद पोस्टमार्टम कराने आए मृतका के परिजनों व ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनिए। पैसा मांगा नशा करने के लिए, नहीं दिया है तो मार दिया चक्कू। का वो बच्चा था? अकेले एक ही लड़का है वो। एक ही लड़का जी। क्या करता था? पैसा ही मतलब पागल हो, हाफ दिमाग का हो गया था कुछ दिन से। अच्छा, बेसी नशा में रहता था वो। शादीशुदा है या? 5 को बचा है उसको, उनका लड़का मारे। बताओ क्या हुआ? पैसा मांगे हैं, वो नहीं दिया है, इसलिए वो चक्कू मारे। चक्कू मार के मुँह आया है। कहाँ घर है उसका? दीपाई घर है सर। किसको मारा? अपने माँ को मारा है। कौन चीज़ में मारा है?
ये पैसा मांगा है सर, इस मारे मारा है, नशा करने के लिए पैसा मांगा है, नहीं दिया इस मारे मारा है। मार्च क्लोजिंग को लेकर एक बार फिर आयकर की टीम एक्टिव हो गई है और वित्तीय घाटे को पूरा करने व जीएसटी का घोटाला करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मोतिहारी के हेनरी बाजार स्थित एक बड़े हार्डवेयर की होलसेल दुकान चांदमल वैद्यनाथ प्रसाद प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। मोतिहारी व मुजफ्फरपुर की संयुक्त टीम ने यह छापेमारी की और इनके छापेमारी से शहर सहित हेनरी बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। टीम ने दुकान के सामान व बिल का मिलान किया और सघन जांच की। इस बाबत पूछे जाने पर आयकर के राज्य संयुक्त आयुक्त सह प्रभारी मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य कर आयुक्त डॉक्टर प्रतिमा कुमारी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है और यहां के स्टॉक व बिल का मिलान किया जा रहा है। चूंकि अभी मार्च का महीना है और कर संग्रह काफी कम हो रहा है, इसलिए उनके निर्देश पर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की संयुक्त टीम यहाँ पहुंची है। राज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा के निर्देश पर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की संयुक्त टीम यहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए आई है। मार्च का महीना है, वह राजस्व की कैसे वृद्धि हो या फिर राजस्व कम क्यों आ रही थी, इसी बिंदु पर सत्यापन के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। अभी तो स्टॉक लिया जा रहा है, फिर कागज पत्र का मिलान होगा, उसके बाद ही कोई स्थिति वास्तविक बताई जा सकेगी। इंस्पेक्शन अभी देर रात तक चलने की संभावना है। जाँच के लिए साहब लोग आए हुए हैं, लोग हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जांच हो रही है। किस तरह का जांच हो रहा है? स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के ग्राम पंचायत भड़गावा स्थित पंचायत सरकार भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार मल के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर महिलाओं को भारतीय संविधान अंतर्गत मिलने वाली कानूनी अधिकार को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम कचहरी सचिव अरविंद कुमार ने की। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह अंतर्गत महिलाओं के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करने जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण से आए पैनल अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को मिलने वाली कानूनी अधिकार भ्रूण हत्या बाल विवाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर किसी नागरिक को कोई समस्या हो तो वे सिविल कोर्ट स्थित लोक अदालत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहीं मौके पर उपस्थित सुगौली क्षेत्र के स्वयंसेवक अवधेश कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों को नारी सशक्तिकरण को लेकर कहा कि हम सबके जीवन में महिला की भूमिका में माँ बहन बेटी बहू होती है, जिसके बिना हम अधूरे होते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दिवस के इस अवसर पर आप भी महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दें तथा महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जाता है, यह दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। महिलाओं को सम्मान देने और समाज के प्रति बुरे रवैये के बदलाव लाने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में नारियां सशक्त हुई है, समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, इसलिए बेटियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। स्वयंसेवक गुप्ता ने घरेलू हिंसा व दहेज प्रथा को लेकर कहा कि आए दिन महिलाएं घरेलू हिंसा व लिंग भेदभाव की शिकार हो रही है, समाज का एक तबका आज भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हर जगह वे शोषण की शिकार होती रहती है, इसलिए न्यायालय के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जगह जगह विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि महिलाएं अपने अधिकार को समझें तथा किसी अनहोनी के शिकार होने से बचे। मौके पर पीएलबी श्री लाल प्रसाद, असरफी शाह, राजदेव शाह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय मुख्य प्रशासिका रही दीदी गुलजार की तीसरी पुण्य स्मृति दिवस बेलवनवा उप सेवा केंद्र पर बड़े ही आत्मिक भाव से मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सुबह योग भट्टी का आयोजन किया गया। भट्टी के बाद परमात्मा का महावाक्य दैनिक मुरली चली, फिर दादी गुलजार जी के निमित्त भोग लगाया गया। उक्त अवसर पर दादी जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीवा बहन ने कहा कि दादी जी बिल्कुल निर्माण थी, उनका मुख्य स्लोगन निर्मल वाणी और मधुर व्यवहार था। दादी गुलजार का बचपन का नाम शोभा था। उनका जन्म 1926 में सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक अति धार्मिक परिवार में हुआ था। 1936 में संस्था की स्थापना के साथ ही संस्था में उनकी प्रवेशता हुई। उन्होंने संस्था के ओम निवास वेडिंग स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। सेवा प्रभारी ने कहा कि उनके चेहरे और नैनों में विशेष रूहानियत थी, दिव्य दृष्टि का उन्हें वरदान प्राप्त था। कई बार उन्हें सतयुग का दिव्य साक्षात्कार भी हुआ। संबोधित करते हुए बीके अशोक वर्मा ने कहा कि दादी गुलजार संस्था के संपर्क में आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ 14 वर्ष तक गहन तपस्या की थी। 1950 में जब संस्था माउंट आबू आई, उसके बाद दादी गुलजार की सेवा काफी बढ़ गई। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा की प्रवेशता अपने
शरीर छोड़ने तक 18 जनवरी 1969 तक होती रही। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो यज्ञ के भविष्य के प्रति कई लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं भी आईं, लेकिन इस बीच 21 जनवरी 1969 को अचानक ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा की प्रवेशिता दादी गुलजार जी के तन में हुई और यज्ञ के भविष्य सेवा कार्य का उन्होंने दिशा निर्देश दिया। तब से लगातार दादी जी दिव्य नैनो द्वारा ब्रह्मा बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को रूहानी शक्ति मिलती रही। तीसरी पुण्यतिथि पर उपस्थित भाइयों ने बड़े श्रद्धा और आत्मीयता के साथ दादी जी की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दृष्टि ली और पुरुषार्थ तीव्र करने का वरदान भी प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वीके श्वेता, वीके पूनम, वीके शशिकला, वीके अनीता, वीके सुनीता, वीके सुलोचना, वीके मुरलीधर भाई, वीके रामनंद, वीके नंद भाई आदि उपस्थित थे। नियमित कार्यक्रम के तहत पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहाँ अंचलाधिकारी धर्मेंद्र गुप्ता ने आए लोगों की फरियादें सुनी। जमीन से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर आए मामलों में श्रीपुर चिंतामनपुर के कामेश्वर सिंह और अशोक सिंह और बहुरूपिया के रामानंद मांझी और राज जतन पटेल सहित अन्य लोगों के मामलों की सुनवाई की गई और दोनों का समाधान जनता दरबार में ही कर दिया गया। इस बाबत सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हर शनिवार को थाने में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है और फरियादियों की फरियाद को सुनकर उसका जल्द निपटारा कर दिया जाता है। जमीन संबंधित दोनों पक्षों में एक पक्ष पहुंचने पर दूसरे पक्ष को अगले तारीख में नोटिस भेजा जाता है, जिससे वह अगले तारीख पर पहुंचे, जिससे समस्या को सुनकर निपटारा किया जाए। जनता दरबार में सुनवाई के दौरान थाना के एसआई अनुज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। मोतिहारी के गांधी मैदान में महिला दिवस के अवसर पर आयोजित खेल कार्यक्रम एथलेटिक्स में एमजेके यूथ क्लब की दो बच्चियों ने बाजी मारी। जानकारी के मुताबिक विनीता कुमारी पिता चंदेश्वर सहनी 200 मीटर की दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त की एवं आशा कुमारी पिता होरिल यादव 800 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त की। साथ ही कबड्डी खेल में टीम तीसरे नंबर पर चुनी गई। आज मिली इस उपलब्धियों से क्षेत्र में खुशी और रौनक देखने को मिला। साथ साथ चुने गए प्रतिभागियों के घरों पर लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। गौरतलब हो कि इस क्लब की यही खासियत रही है कि लगातार बच्चे अपनी लगनपूर्वक मेहनत कर अपने अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। जिले में मिली इस उपलब्धि से गांव कस्बों में खुशी और उल्लास देखने को मिल रही है। इस बाबत एमजेके यूथ क्लब के सचिव रुस्तम आलम ने बताया कि हमारे कोचिंग में लगातार सफलता मिलने का कारण बस बच्चों का अपना मेहनत और लगन है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां बनाए गए अलग अलग टीमों में प्रैक्टिकल करने की हर सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जिससे प्रशिक्षण में बच्चों को कोई असुविधा महसूस ना हो और बेफिक्र बड़ी आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे क्लब में डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है, बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज सहनी, उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, कोषाध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, टीम मैनेजर मनीष सिंह, रमाकांत सहनी सहित कई गणमान्य लोगों ने सफलता पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस शराब धंधेबाजों के साथ साथ पियकड़ों पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ब्रेथ एनालाइजर के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर घूम रही है। पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर पियकड़ व्यक्तियों की जांच के पश्चात कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने थाना क्षेत्र के ढाका मोहब्बतपुर पुलिया के पास से एक साथ तीन पियक्कड़ को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र के चंद्रहिया गांव निवासी गगनदेव महतो का पुत्र सत्येंद्र महतो, हरकिशोर महतो का पुत्र कन्हाई कुमार एवं मुनिलाल महतो का पुत्र रंजन कुमार के रूप में चिन्हित की गई है। तीनों व्यक्ति एक ही गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए सभी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़। सच की आवाज़। नमस्कार।